बर्षकर सर एकामक्षेत्र योजना लिंगराज मंदिर सीधा देखिए बिंदु सागर रे चंदन यात्रा शिवरात्रि एकाठी 2 लाख श्रद्धालु देखिपारे महादीप। नमस्कार आपण देखुं अलीउड खबर यूट्यूब चैनल। मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक अध्यक्षतार अनुष्ठित एक उच्चस्तरीय बैठक में आज एकामक्षेत्र योजना संपर्क में एक विस्तृत उपस्थापन कर श्री लिंगराज मंदिर सनिकट 600 एक परिमित जमी उपर यह योजना कार्यकारी हो जाए। लिंगराज मंदिर चतुर्पाश्व भव्य विकास करा एठार एक आध्यात्मिक शांत तथा भक्ति परिवेश सृष्टि करा। पूर्व 10 रु 15 हजार लोके मंदिर सम्मुखें समवेत होवार असुविधार सम्मुखीन होता बेले नुआ योजना पर 2 लक्षरु अधिक लोके मंदिर सम्मुखें समवेत हो महाप्रभुंर शिवरात्रि उत्सव में सामिल हो महादीप दर्शन में आध्यात्मिक अनुभव लाभ करें। शिवरात्रि सहित अशोकाष्टमी रथयात्रा एवं महाप्रभुंर अन्य जानी यात्रा समय तीर्थयात्री परिचालना विशेष सहायक हेब। श्रावण मास लक्ष लक्ष काउड़िया श्री लिंगराज मंदिर आसी था सेमाने जेपरी सुविधार एवं श्रृंखलित भाव में मंदिर जाई पानी लगी और पूजा करें से योजन दृष्टि दि जाए। बिंदुसागर सहित रही महाप्रभुंर अनन्य संपर्क एवं यह श्रीलिंगराज मंदिर पर एकाम क्षेत्र द्वितीय आकर्षण केन्द्र। बिंदु बिंदु तीर्थर सृष्टि होता यह पवित्र पुष्करणी एकाम क्षेत्र आध्यात्मिक जीवन अन्यन्य अंग महाप्रभुं विभिन्न जानी यात्रा सहित यार संपर्क रही। एकाम क्षेत्र योजन बिंदुसागर लिंगराज मंदिर और रथगड़ा ठार चंदन यात्रा तीर्थयात्री मैंने सीधा देखिपारे। लिंगराज मंदिर और बिंदुसागर मध्य विंध्यवासिनी भवानी शंकर सुकसारी एवं मोहिनी आदि मंदिर यात्री माने देखिपारे। ऐतिहासिक दलिल जना जाए जे 350 वर्ष पूर्वे लिंगराज मंदिर रथगड़ा ठार बिंदुसागर पर्यंत केवल मंदिर ही थिला अन्य कौनसी स्थायी निर्माण नथिला। 350 वर्ष पर लिंगराज मंदिर और बिंदुसागर नुआ रूप नेबाकु जाउछि। एकाम योजना पर्यटक और तीर्थयात्री मानी विभिन्न सुविधा सुजोग रही जेपरी विकास सूचना केन्द्र पार्किंग प्लाजा फूड प्लाजा भजन मंडप सहित ऐतिह्य पुष्करणी पुनरुद्धार एवं केदार गौरी पुष्करणी जल निष्कासन व्यवस्था एकामवासी सुविधा परिवहन व्यवस्था जल निष्कासन वर्ज्यवस्तु निष्कासन आदि विभिन्न विषय उपर ध्यान दि जाए। अनन्य कारुकार्य सुशोभित मंदिर ऐतिह्यनगरी भुवनेश्वर गरिमा को आहुरी वृद्धि करने सहित यूनेस्को विश्व ऐतिह्यस्थल तालिका भुवनेश्वर को स्थानित करने दाबी को अधिक मजबूत कर आशा कराए। पुरी श्रीमंदिर ऐतिह्य प्रकल्प पर एकाम क्षेत्र योजना हूँ राज्य सरकार 5टी कार्यक्रम अंतर्गत अन्यतम गुरुत्वपूर्ण प्रकल्प। एकाम क्षेत्र में सांस्कृतिक ऐतिह्यर अन्यतम आकर्षण श्रीलिंगराज महाप्रभु महाशिवरात्रि अशोकाष्टमी रथयात्रा और शीतलष्ठी को जातीय पर्वपर्वाणी पंजीकार स्थानित पदक्ष कार्य 1 वर्ष मध्य शेष करने मुख्यमंत्री निर्देश देते। बैठक में मंत्री अशोक चंद्र पंडा आलोचन अंशग्रहण कर सुनिश्चित मतामत रखी मुख्य शासन सचिव असित त्रिपाठी उन्नयन कमिशनर सुरेश चंद्र महापात्र समेत वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री सचिव 5टी वीके पांड्यान आलोचना को संजोगजना कर। तो फ्रेंड्स आपण मानर यह भिडी किपरी लगला भिडियो लाइक कमेंट सेयार करें निश्चय जनवे। आँ आम चैनल को सब्सक्राइब करने के भी भूल।